आई वुड जस्ट लाइक टू एड्रेस सम कॉमन मिथ्स दट एक्सट अबाउट द एग्जामिशन इन जनरल फॉर इंस्टेंस काफी लोग कहते हैं कि एवरी थिंग अंडर द सन किन कमिंग यूपीएससी सब पता होना चाहिए कुछ भी आ सकता है एज एसपिर और आप सब लोगों को भी थोड़ा फोमो uh, होता होगा कि ये पढ़ लिया वो नहीं पढ़ा कोई चार अखबार पढ़ रहा है कोई दो पढ़ रहा है कोई चार मैगजीन कर रहा है द सिलेबस इज वेरी सिंपल इट्स गिवन जो मीन्स का सिलेबस है मेरे हिसाब से लार्जली प्रिलिम्स का भी सेम सिलेबस है मेन्स का सिलेबस हैज टू बी योर की स्टोन ऑफ योर प्रेपरेशन एज लॉन्ग एज यू अगर हो सके तो रट्टा मार लो मेन्स के सिलेबस का बिकॉज उसका जो एक फायदा होता है वो कि जब आप न्यूज में कुछ पढ़ते हो या करंट अफेयर मैगजीन में कुछ पढ़ते हो यू कैन कंटेक्सचुलाइज दैट लाइक यू नो कि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो जी एस वन है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन कल्चर विल कवर दिस एलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स तो अगर कुछ आर्किटेक्चर के बारे में न्यूज़ आई है तो आप उसे अपने प्रिलिम्स कोई स्पेसिफिक इन्फॉमेसन बेस्ड है तो आप उसको प्रिलिम्स के लिए नोट डाउन कर सकते हो कुछ लॉन्ग अच्छा एडिटोरियल है कुछ है उससे आप पॉइंट्स उठा के मीन्स के लिए यूज़ कर सकते हो तो द फर्स्ट मेथ इज़ इन्फाइनइट सिलेबस नहीं है सिलेबस आपको पता है सामने आपके सिलेबस है प्लीज़ गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स इफ़ पॉसिबल रोज़ सुबह उठ के एक बार देख लो इट रियली गोज अ लॉन्ग वे एंड लगता है कि ठीक है देख लिया हमें आता है बट इफ़ यू रिमेंबर द सिलेबस बाय हार्ट इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे सेकेंड इज़ टाइम सब लोग कहते हैं कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए दैट इज़ आई थिंक सब लोगों को लगता है कि सीक्रेट सॉस है इतना नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा कोई दस घंटे पढ़ रहे आई वुड सजेस्ट दैट एवरी वन फाइंड देयर ओन पर्सनल ऑप्टिमाइज टाइम आप देखो अगर आप दिन में छः घंटे पढ़ सकते हो एंड यू कैन सस्टेन इट फॉर मतलब अ ईयर टू ईयर जितना भी है दैट इज़ अ लॉट बेटर देन स्टार्टिंग टेन आवर्स अ डे फॉर थ्री मंथस एंड देन बर्निंग आउट क्योंकि अगर आप अपने आप को रोज रोज़ पुश करते रहेंगे तो इवेंचुअली बर्नआउट होगा फिर आपका एक महीना जाएगा फिर आपको मन नहीं करेगा मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू फेल इन अटेम्प्ट प्री के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है लोगों को इसकी वजह से तो कोई चौदह सोलह घंटे आई डोंट थिंक कोई भी पढ़ता है कंट्री में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक टेन आवर्स कैन बी सस्टेंड ओवर थ्री मंथ्स उससे ज़्यादा करना इज़ वेरी डिफिकल्ट सो जस्ट फाइंड योर ऑप्टिमल टाइम अपना खुद को यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू नीड टू स्टडी हाउ मच यू कैन स्टडी एंड खुद के हिसाब से जस्ट मेक लाइक नोट डाउन हाउ मच टाइम यू आर डूइंग एंड एज वट एवर इज सस्टेनेबल फॉर इंस्टेंस अपना एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आई वॉज स्टडिंग बिटवीन सिक्स एंड एट आवर्स एवरी डे थ्रू आउट माई जर्नी मतलब मेन्स के बाद तीन महीने ब्रेक भी लेता था बिल्कुल नहीं पड़ता था बट मोस्टली बिटवीन सिक्स एंड एट आवर्स मेन्स के अराउंड वन और टू वीक्स पहले यू स्टॉप काउंटिंग आवर्स तब तू जितना भी कर सकते हो तो कर लो बट अपार्ट फ्रॉम देट सिक्स टू एट आवर्स वॉज माई थिंग आई नो लॉट ऑफ पीपल वो एट टू टेन भी करते हैं

बट एग्जाम में प्रॉब्लम इज नॉट द डिफिकल्टी लेवल मीन्स का आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए अभी भी आप सब लोग आई एम श्योर यू कैन अटेम्प्ट इन रीजनेबल टाइम में आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज द कॉम्पिटिशन कि अगर आप इफ़ यू कम्पीटिंग टू बीन द टॉप हंड्रेड और टॉप टू हंड्रेड देन यू रियली हैव टू लेवलअप आपको इन्श्योर करना है कि जो सो मेनी पीपल अराउंड यू उन सबसे आपका आंसर बेटर होना है अब वो आंसर कैसे बेटर होना है दैट इज अक्सचर ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रैटेजी दैट वील डिस्कस बट द ये मिथ नहीं होना चाहिए कि एग्जाम डिफिकल्ट है एंड में इट्स जस्ट अ बुक उसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है आपको पढ़ना है और समझना है इट्स नॉट टेक्निकल कुछ नथिंग कॉम्प्लेक्स इन वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन कोचिंग सेंटर्स सच इज़ विजन कि अगर कहीं पे रोड ब्लॉक आ भी रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं अच्छे से एंड लास्ट मिथ है आई थिंक विच इज़ समथिंग आई लर्न अक्रॉस क्रॉस माई फोर ईयर्स डैट एफर्ट डज नॉट इक्वल रिजल्ट इन दिस एग्जामिनेशन अनफॉर्चुनेटली एंड um, आप जितना एफर्ट करेंगे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ एक्स वाई जेड परसन से ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए दैट इज़ नॉट ट्रू यू पी एस सी एग्जाम इज इक्वली अबाउट स्ट्रैटेजी एज मच एज इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क आप अगर इफ़ यू स्पेंडिंग फोर आवर्स डूइंग द न्यूज़ पेपर्स इन डिटेल्स मे बी रीडिंग पोलिटिकल न्यूज एट्सट्रा दैट विल नॉट हेल्प यू एंड जस्ट बिकॉज आपने वो चार घंटे दिए हैं उसका यह मतलब नहीं है आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट